नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का एक लेटर वायरल हो रहा है। इस लेटर में 15 मई को 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम आने की बात कही गई है। इस लेटर के वायरल होने के बाद से ही प्रदेश के 18 लाख परीक्षार्थी संशय में आ गए। हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस लेटर को फर्जी बताया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार वायरल लेटर फर्जी है। 10वीं 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम 23 मई को ही जारी होंगे। मध्य प्रदेश में 1 मार्च से बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हुई थी। 10वीं बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चली थी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल तक हुई थी। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं प्रदेश के कुल 18,22,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में शामिल हुए थे। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 9,65,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जबकि 12वीं की परीक्षा में 8,57,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रदेश में 3,852 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें से 3,099 सरकारी और 753 निजी स्कूल शामिल रहे थे। इधर फर्जी लेटर होने के बाद से ही मध्य प्रदेश के 18 लाख परीक्षार्थियों में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल इस लेटर में 15 मई को 10वीं और 12वीं की कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की बात कही गई थी। साथ ही इस लेटर में बताया गया था कि दोपहर 1 बजे 10वीं और 12वीं की कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे, लेकिन इस लेटर को माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा फर्जी बताया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार 23 मई को परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। यहां आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा मंडल की टेलीफोन हेल्पलाइन सेवा पर 6 से 12 मई के बीच 4,621 कॉल मिले हैं। इनमें 4,049 रिजल्ट के लिए पूछा है, रिजल्ट कब आएगा। बच्चों ने सवाल किया है माध्यमिक शिक्षा मंडल से कि उनका रिजल्ट कब आएगा। इन बच्चों को बोर्ड के अधिकारियों द्वारा तारीख नहीं बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मई महीने से रिजल्ट आएगा। इसके अनुसार रोजाना करीब 600 बच्चे फोन पर रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं। बता दें कि 6 से 12 मई के बीच 4,000 से अधिक छात्रों ने बोर्ड को रिजल्ट की तारीख को लेकर कॉल किए हैं। वहीं 12 मई को CBSE बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा के बाद एक ही दिन में 1,181 कॉल सिर्फ रिजल्ट के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल की हेल्पलाइन पर रिजल्ट की तारीख जानने के लिए फोन किए गए हैं।